Dear friends, may the Lord bless you according to Psalm 69:32. प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपको भजन संहिता 69 और वचन 32 के अनुसार आशीष दे। Here the Bible says the poor will see and be glad. यहाँ लिखा है नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। You who seek God, may your hearts live. हे यहोवा, परमेश्वर के खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाए। God is a generous God. परमेश्वर एक अनुग्रहकारी परमेश्वर है। When he blesses us, we praise him. जब वो आशीष देता है, हम उसकी स्तुति करते हैं। Those who have grateful heart, praise God always. कृतज्ञ हृदय वाले हमेशा उसकी स्तुति करते हैं। And these praises blesses other people. और ये प्रशंसा औरों को आशीष देती है। And also lead them to praise God. और उनकी अगुवाई करती है ईश्वर की प्रशंसा में। That's what the Bible says. The poor will see and be glad. यही तो बाइबल कहती है कि दीन उसे देखकर आनंदित होंगे। The Lord always wants us to be a witness to others. प्रभु हमेशा चाहता है कि हम दूसरों के लिए एक साक्षी बने। I have read about a famous preacher who was known as God's man with a shout. मैंने परमेश्वर के एक प्रसिद्ध सेवक के बारे में सुना, जिनको कहा गया चिल्लाने वाला सेवक। His real name is Billy Bray. उनका वास्तविक नाम बिली ब्रे था। Billy Bray was a drunkard. बिली ब्रे एक शराबी थे। His wife had to go every day and pick him up from the place where he drinks. प्रतिदिन उनकी पत्नी को जा करके जहां वो शराब पीते थे वहां से लाना पड़ता था। But then after his salvation, he was always seen smiling, singing and shouting praises to God. परंतु उनके उद्धार के बाद हमेशा उन्हें हंसते मुस्कुराते और ईश्वर की स्तुति करते हुए पाया गया। One day when he was questioned about his abundant joy, जब एक दिन उनके उस अद्भुत परिपूर्ण आनंद के विषय पूछा गया, he said to those people, God has made me glad and no one can make me sad. तो उन्होंने कहा, ईश्वर ने मुझे आनंदित किया है, कोई मुझे दुखित नहीं कर सकता। It is God who makes me to shout and no one can make me doubt. परमेश्वर है जो मुझसे आवाज कराता है, कोई मुझसे शक नहीं करा सकता। I can't help praising God, he said. और उन्होंने कहा, मैं ईश्वर की स्तुति बगैर रुक नहीं सकता। He said, as I go along the street, I lift up one foot and it seems to say glory, and I lift up the other and it seems to say amen. जब मैं चलता हूँ तो मेरा एक पांव उठते ही मानो ये कहता है कि महिमा, और दूसरा पांव उठते ही वो कहता है मानो कि आमीन। So they keep on like that all the time. और वे वैसे ही हमेशा करते रहते हैं। As I am walking. और जब मैं चलता हूँ तो। At the end of Billy Bray's life. और Billy Bray's के लाइफ के अंत में। His doctor said to him he was going to die. उनके डॉक्टर ने बताया कि अब वो मरने ही वाले हैं। Even then he said, Glory, glory be to God. I shall soon be in heaven. और उन्होंने सुनकर के कहा, परमेश्वर को महिमा मिले, मैं निश्चय ही स्वर्ग में जाऊंगा। Then he asked the doctor, when I get up to heaven, shall I give them your compliments, doctor? और उन्होंने कहा, डॉक्टर, जब मैं स्वर्ग पहुंचूं तो क्या आपकी शुभकामनाएं उन्हें दूं? And tell them you will be coming to sometime later. और ये कहूँ कि आप भी थोड़े समय के बाद वहीं पहुँचने जा रहे हैं। This really touched the hard-hearted doctor's heart. और ये जो था कठोर हृदय वाले इस डॉक्टर के हृदय को अंतर तक स्पर्श कर गया। He too found the same joy which Billy had and gave praises to God. उन्होंने भी वही आनंद पाया जो बिली के पास था और उन्होंने ईश्वर की स्तुति शुरू की। Though Billy Bray is dead today, He still speaks. जो भी बिली ब्रे आज मर चुके हैं, वो आज भी बात करते हैं। Likewise, the Lord also wants you to bless your friend. वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी उनको आशीष दें, प्रियो। Whenever the Lord would ask us to praise God, He would say, "Shout glory to me." Shout glory to God. जब परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी स्तुति करें, वो कहते हैं परमेश्वर के लिए महिमा पुकारो। Shout praises to God. परमेश्वर की स्तुति जोर से करो। Many times the Lord has spoken to me likewise. परमेश्वर ने अनेक बार ऐसे ही मुझसे बातचीत की है। So keep on praising God with a grateful heart like Billy Bray. इसलिए बिली ब्रे के समान एक धन्यवादी हृदय के साथ उसकी स्तुति करें। Let others see you and
let them also be glad, let them also rejoice with you, dear friend. और प्रिय मित्र, जब आपको दूसरे लोग देखें तो वो भी आपके साथ आनंदित हों। Our loving Father, Lord, according to your word, let your children rejoice and be glad and be with full of your praises and shout, O God. प्रेमी पिता, आपके वचन के अनुसार से आपके बच्चे जो हैं वो आनंदित हों और आपकी स्तुति और प्रशंसा करें। Let the shout of the king be within them, Master. होने दें कि राजाओं के लिए वो पुकार उनके अंतर से निकले। Let such be their blessings, O God. ओ, उनकी आशीष ऐसी होने पाएं प्रभु। Save your people. अपने लोगों को बचा लें। Father, some are saying, I am a sinful person. प्रभु, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं तो एक पापी जन हूँ। Father, touch their hearts even today, O God. प्रभु जी, आज भी आप उनके हृदयों को स्पर्श करें। Father, forgive them, Master. पिता, उन्हें क्षमा करें स्वामी। And enable them to shout glory to you, Father. कि सहायता करें पिता कि वो आपके लिए महिमा को उच्चारें। Give them your salvation. उन्हें अपना उद्धार प्रदान करें। Give them your blessings. उन्हें अपनी आशीष दें। Father, let them take a U-turn, Lord. प्रभु जी, वो जीवन में एक बदलाव को लें। To love you and praise you all the time. ताकि वो हमेशा आपसे प्रेम करें, आपकी स्तुति करें। Thank you for blessing them in such a way. ऐसे ही उन्हें आशीष देने के लिए आपका धन्यवाद। In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दें।